हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट मास्टर्स लर्निंग। टुडे वी विल गोइंग टू लर्न थर्ड चैप्टर, दैट इज द एडवांस फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर पार्ट वन। इसके पहले की वीडियो में हमने कुछ टॉपिक को कवर किया था, है टाइटल बार क्या होता है, उसमें सबस्क्रिप्ट क्या है, सुपर स्क्रिप्ट क्या है, अप्लाइंग शेडो इफेक्ट ऑन टेक्स्ट, वो सारी चीजों को हमने देखा था। आज की वीडियो में हम उसके आगे की टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आपने पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन पे दिया गया है, आप वहाँ पर जाके वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। दिस इज द ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये हमने सब पहले ही देख लिया था। लास्ट अपने वीडियो में हमने देखा था ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या है, यहाँ पे ये सारे मेन्यू क्या होते हैं, रिबन्स क्या होते हैं, ये सारी कुछ चीजों को हमने देखा था। आज की वीडियो हेडर और फुटर का काम क्या होता है, हेडर और फुटर क्या होता है और इसका काम क्या होता है। तो हेडर और फुटर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में देखिए, यहाँ पे हेडर एंड फुटर, यहाँ पे दो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। अगर हमें हेडर अप्लाई करना है तो हम हेडर पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे हेडर पे क्लिक कर दिया है। अभी यहाँ पर हेडर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मुझे लेआउट दिख रहा है, किस तरीके का मुझे हेडर अप्लाई करना है। सो फर्स्ट मैंने ब्लैंक हेडर को, मैंने यहाँ पे इस लेआउट को मैंने सेलेक्ट कर लिया हेडर के लिए। टाइप हियर यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे मुझे हेडर में मेरा नाम, लोगो या फिर जो कुछ भी डालना है, कंपनी का नाम अगर हम किसी का डाल रहे हैं, लोगो डाल रहे हैं, या फिर एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक वहाँ पे हम एड्रेस वगैरह डाल रहे हैं, तो ये सारी चीजों पे अपने हेडर में अप्लाई करते हैं। ओके, और हेडर का एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि हेडर में हम जो कुछ भी अप्लाई करते हैं वो हमारे हर एक पेज पर अप्लाई होता है, हमारे डॉक्यूमेंट के हर एक पेज पे वो अप्लाई होता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ हेडर। मैंने यहाँ पे हेडर में लोगो डाल दिया है, एड्रेस डाल दिया है, फोन नंबर डाल सकते हैं हम यहाँ पे, तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है हेडर में। ओके, तो अभी यहाँ पे डालने के बाद में हम क्या करेंगे, क्लोज हेडर। तो हमारा हेडर ये अप्लाई हो चुका है हमारे डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट, अब मुझे अगर फुटर अप्लाई करना है, मुझे भी फुटर मतलब क्या होता है, ये हमारे डॉक्यूमेंट के हर एक पेज के नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, दैट इज नोन एज फुटर। तो अभी अगर मुझे फुटर अप्लाई करना है तो अगेन मैं फिर से इंसर्ट में जाऊंगी। इंसर्ट में जाके आई हैव टू क्लिक ऑन फुटर, फुटर पे क्लिक करूंगी। फुटर पे भी सेम थिंग, मुझे जो लेआउट मुझे सेलेक्ट करना होगा वो मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ I can type here email address. Email address मैंने यहाँ पे type कर दिया है। हम जो कुछ भी information यहाँ पे डालेंगे वो सब कुछ हमारे यहाँ पे footer में apply हो जाता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे footer में सही है, मैंने यहाँ पे footer में email address, page number, ये सब कुछ मैंने डाल दिया है। तो ये सारे कुछ information मेरे यहाँ पे footer में अब अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये डालने के बाद में मैं यहाँ पे क्लोज हेडर कर दूंगी, सॉरी क्लोज फुटर कर दूंगी यहाँ से। अभी ये जो कुछ भी है ये हमारे हर एक पेज पे दिखाई देगा, ईमेल एड्रेस, पेज नंबर, ये मेरा फुटर और ये मेरा हेडर, लोगो, एड्रेस, फोन नंबर, जो कुछ भी रहेगा ये हर एक पेज पे अप्लाई होता है। सो इस तरीके से ये हेडर और फुटर का, नाउ यू कैन सी हियर, ये देखिए मेरा हर एक पेज पे आ गया है। यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ऊपर हमने डाला था, नेक्स्ट पेज पे भी हमारा लोगो, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब कुछ हेडर में यहाँ पे अवेलेबल है। अभी यहाँ पे फुटर में भी देखिए, यहाँ पे फुटर में ईमेल एड्रेस, पेज नंबर, ये सब कुछ आ गया है। तो इस तरीके से फिर थर्ड पेज पे अगेन लोगो, एड्रेस, फोन नंबर, ये आ रहा है। फुटर में फिर से ईमेल एड्रेस, पेज नंबर, तो इस तरीके से ये हर एक पेज पे हमारा हेडर एंड फुटर जो हम एक पेज पे डाल देते हैं वो हर एक पेज पे हमारे डॉक्यूमेंट के हर एक पेज पे अप्लाई होता है। सो दिस इज द मेन वर्क ऑफ हेडर एंड फुटर। नेक्स्ट वन इज द इंसर्ट। अभी यहाँ पे इंसर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये इंसर्ट टेबल इंसर्ट करना है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, कितने कॉलम मुझे चाहिए, सो आई हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम हियर 6-7 कॉलम। नंबर ऑफ रोज 2-3-4। ओके, सो आई हैव सेलेक्टेड हियर नंबर ऑफ कॉलम 7 एंड नंबर ऑफ रोज 4। अभी मैंने यहाँ पे 7 कॉलम एंड 4 रोज को सेलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया। नाउ यू कैन सी यहाँ पे इस तरीके से आ गया है। कॉलम फॉर्मेटिंग हम कैसे अप्लाई करते हैं, अभी यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट टाइप कर लिया है,
कोई भी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी, कोई भी डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब मुझे अगर कॉलम फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई करना है, क्या करेंगे, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट हमें कहाँ पे जाना है, पेज लेआउट में। जो भी हमारा इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले हम पूरे इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके पेज लेआउट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे कॉलम में जाएंगे और कॉलम में जाके सी हियर दिस इज द कॉलम, कॉलम में जाके हम जो भी यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अभी सपोज आई हैव टू सेलेक्ट वन कॉलम हियर, मैं अगर एक कॉलम सेलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अगर मैंने टू कॉलम सेलेक्ट किया सी हियर, ये टू कॉलम में हो गया। सो इस तरीके से ये कॉलम फॉर्मेटिंग की जाती है। हमें टू कॉलम चाहिए, थ्री कॉलम चाहिए, जो भी चाहिए, इस तरीके से हम पेज लेआउट में जाके कॉलम को सिलेक्ट करके वहाँ पे वन टू थ्री जो भी रहेगा उस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं और इस तरीके से हमारा कॉलम फॉर्मेटिंग हो जाता है। लाइन ब्रेक करने के लिए, अगर मुझे लाइन ब्रेक अगर अप्लाई करना है मुझे, इफ आई वांट टू अप्लाई लाइन ब्रेक फ्रॉम हियर, ओके, सो आई हैव टू क्लिक हियर, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद में जहाँ पे भी मुझे लाइन ब्रेक करना है वहाँ पे मैं क्लिक करें, नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन एंटर। एंटर पे क्लिक करने के बाद में देखो मेरी लाइन चेंज हो गई यहाँ पे। तो इस तरीके से लाइन ब्रेक का फंक्शन होता है। लाइन लाइन ब्रेक हमें जहाँ से भी चाहिए होती है, सपोज अभी मुझे यहाँ पे लाइन ब्रेक चाहिए तो आई हैव टू क्लिक ऑन हियर, मैं अपने कर्सर को वहाँ पे क्लिक करूंगी और नेक्स्ट आई हैव टू क्लिक ऑन एंटर। सी यहाँ अभी यू हमारा नीचे से स्टार्ट हो गया। सो इस तरीके से ये लाइन ब्रेक करने के लिए काम करता है। पेज ब्रेक अप्लाई कर, नेक्स्ट वन इज द पेज ब्रेक अप्लाई करना है तो पेज ब्रेक हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, मुझे यहाँ तक इन्फॉर्मेशन इस पेज पे चाहिए, यहाँ 87 से यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पेज पे चाहिए, तो जहाँ से भी जिस भी लाइन से या फिर जहाँ से भी जिस टेक्स्ट से हमें नेक्स्ट पेज में इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। मुझे ये 87 यहाँ पे दिख रहा है, इसे यहाँ से मुझे नेक्स्ट पेज में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे अगेन आई हैव टू गो ऑन लेआउट, पेज लेआउट में जाऊंगी। पेज लेआउट में जाने के बाद में ब्रेक में पेज यहाँ पे सी हियर पेज, पेज में जाके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सी हमारा इन्फॉर्मेशन जो है कि नेक्स्ट पेज में 87 से नेक्स्ट पेज में आ गया है। फर्स्ट हमारा ये पेज है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारा था वो सेकंड पेज पे आ गया है। सी दिस इज द सेकंड पेज। तो यहाँ पे पेज ब्रेक, जहाँ से भी हमें इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पेज में चाहिए होती है, पेज ब्रेक का फंक्शन वही होता है कि जहाँ से भी हमें जो भी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पेज पे चाहिए होती है वहाँ पे हम क्लिक करते हैं एंड नेक्स्ट वी हैव टू गो ऑन पेज लेआउट एंड आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन ब्रेक। ब्रेक में क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पेज पे हम पेज को हम सिलेक्ट करके पेज को क्लिक करेंगे और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन हमें नेक्स्ट पेज पे अवेलेबल हो जाती है। सी नेक्स्ट वन इज द साइज। अभी यहाँ पे साइज में यहाँ पे मुझे मेरे डॉक्यूमेंट का साइज, किस साइज में मुझे मेरे डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, तो वहाँ से उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे पेज के लिए अपना साइज सेलेक्ट करूंगी। यहाँ से फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट साइज फ्रॉम हियर, वी हैव टू क्लिक ऑन साइज। साइज में जाने के बाद में यहाँ पे मैं किसी भी एक को क्लिक करूंगी। सी मैंने वो A4 साइज चाहिए तो A4 साइज, सी हियर A4 साइज, तो यहाँ से हम साइज सेलेक्ट करते हैं। B4 चाहिए तो B4, सो दिस इज द B4 साइज। तो इस तरीके से हम यहाँ से जाके, सी दिस इज द लेटर साइज 8.5 × 11 लीगल, सी दिस वन। तो इस तरीके से हम यहाँ से साइज में जाके हम अपने डॉक्यूमेंट के साइज को फिक्स कर सकते हैं कि हमें कौन से साइज के चाहिए, उस हिसाब से हम यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में सी हियर यहाँ पे दो ऑप्शन हमें अवेलेबल होते हैं, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट होता है। ये दो ऑप्शन में से सपोज आई हैव टू सेलेक्ट लैंडस्केप, तो इस तरीके से आ गया। अगर मुझे पोर्ट्रेट में चाहिए तो इस दिस इज द लैंडस्केप, दिस इज द पोर्ट्रेट। नाउ अगेन आई हैव टू सेलेक्ट ऑन लैंडस्केप, क्योंकि यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन जो होता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म में शो करता है। तो आज की वीडियो में हमने अप्लाइंग कॉलम फॉर्मेटिंग, कॉलम फॉर्मेट को कैसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्टिंग पेज ब्रेक, पेज ब्रेक को कैसे किया जाता है, इंसर्टिंग लाइन ब्रेक, लाइन को कैसे ब्रेक किया जाता है, तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हमने देखा है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।